हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कमी करने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप भी ऐसे हो कि आपको लगता है कि मैं बस अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूं और फिर मैं आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँगा, तो ये बात बहुत गलत है। पहले तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब आप करोगे, किसी भी टॉपिक्स को आपने पढ़ा है और उसके ऊपर क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले आपको चीज़ ये समझ में आ जाएगी कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं। क्योंकि जब आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब आपको पता चल जाएगा कि यार इस कॉन्सेप्ट को तो मैंने ढंग से ऐसे देखा ही नहीं है, इस तरीके से भी मैं उसको देख सकता हूँ, उस तरीके से भी देख सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलता है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, आपका वीक पार्ट कौन सा है, और जो जो वीक पार्ट्स हैं उनके ऊपर आप काम करके आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो पहली बात तो यही समझ में आ जाएगा अपने को कि कौन सा अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलेगी, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करोगे तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको अब पता चलेगा कि हाँ, इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए मैं आसानी से एग्जाम में सॉल्व करूँगा। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आप क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो आप IIT JEE एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप CUET PG एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मस्ट है। आप कहीं से भी करो, आप YouTube से करो, आप जो बुक्स आपके पास है उसके पीछे जो एक्सरसाइजेस है उनको आप सॉल्व करो, इन एग्ज़ाम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करो। तो पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आसान टॉपिक से शुरुआत करनी है या फिर आसान एग्ज़ाम ले लो, तो वहाँ से आप शुरुआत करो और फिर वहाँ से आप थोड़ी सी अपनी लेवल बढ़ाते चलो और फिर देखना कि जैसे आपके पास कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो फिर आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि आप अभी IIT JEE एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो 2025 के, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले आपने शुरुआत करी, बुक्स के जो एक्सरसाइजेस हैं उनको आपने सॉल्व किया, फिर जो YouTube चैनल है जैसे कि IFS का, इस चैनल के ऊपर जो आप वीडियो देख रहे हो, इस चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, आपने उनको भी लगाया। फिर आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको पता चला कि हाँ, अब PYQ भी बन रहे हैं। और जब आपको लगेंगे कि अब आपके PYQs भी बनने लगे हैं सारे, तो फिर आपको लगेगा कि जी हाँ, अब मैं इस टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्फिडेंस होना, मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरी बात, आपको जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते हो तो आपको अलग अलग स्किल्स, अलग अलग अप्रोचेस पता चलते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन को तो मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो आपके बढ़ते हैं, साथ ही साथ आपका स्पीड बढ़ता है। आपको पता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो फिर आपका स्पीड बढ़ता है। अगर आप पहली बार किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसको सॉल्व करने के लिए समय लगेगा, और अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले अगर क्वेश्चन से प्रैक्टिस ही नहीं की है तो फिर आप पहली बार क्वेश्चंस को उस प्रकार के देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। हो सकता है कि उसके अंदर आपके मिस्टेक्स भी हो और फिर जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। एक और बात,
जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आपके जो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने अंदर, है कि नहीं, कि जब आप एक ही प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते चलोगे तो पहली बार तो आपके मिस्टेक्स होंगी, फिर जब आप दो तीन बार उस प्रकार का क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आने वाले समय जो भी उस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपके उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का ये भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। अब आपको सिमुलेटिंग एग्जाम कंडीशंस, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, जैसे कि अगर आपने किसी टॉपिक को प्रिपेयर किया और उसको एग्जाम में जिस प्रकार का माहौल होता है उस माहौल में रख के अगर आपने उसको सॉल्व किया, या आपने मान लिया कि मुझे 30 मिनट में ही इस टेस्ट को सॉल्व करना है, फिर आपने उसको 30 मिनट में ही देखा तो आपको पता चला कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली जो IFS की वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। सिंपली आपको उसके लिए क्या करना है, गूगल के ऊपर जाके आपको क्या टाइप करना है, IFS ऑनलाइन। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आपने कुछ नाम डाला, जो भी आपका नाम हो, जैसे कि आपने कुछ नाम डाला, आपने यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर भी डाला, आपका जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर डालना होगा, एक OTP आपके पास आ जाएगा, वो OTP आपको वहाँ पर क्या करना होगा, फिल करना होगा, है कि नहीं। तो जैसे मेरे पास एक OTP आया है तो मैंने यहाँ पर डाला, और जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया, अब यहाँ से मेरे पास शुरुआत करनी है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जाना है आपको, IIT जैम में, फिर जैसे कि मैथमेटिक्स के सेक्शन में आ गया। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कई सारी चीज़ें दिखाई देगी, यहाँ पर आपको लर्न फ्री सेक्शन में जाना है। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट में जाओगे, जैसे कि यहाँ पर PYQ टेस्ट आप दे सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर्स आप यहाँ पर देखेंगे, आप वो देख सकते हो। आपको अगर मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट आप दे सकते हो। तो कई तरह के टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हो। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें तो डेफिनेटली आप इस वेबसाइट को विजिट करें और इनका आप लाभ उठाएं। साथ ही साथ अगर आप लाइव प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो लाइव बैच भी हमारी 9th of September से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद फ्लैट 30% ऑफ, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि जैसे IFS की वेबसाइट आपके लिए हेल्पफुल है, वही सारा कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो IFS ऐप के अंदर भी आपको फ्री में मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, पेपर्स का एनालिसिस आप देख सकते हैं वहाँ पर कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम का सिलेबस, डिटेल सिलेबस वहाँ पर मिलेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितना कट ऑफ रह चुका है, कितना रहेगा, इस प्रकार की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।